हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम सीखेंगे लेफ्ट मीट राइट एंड फाइंड फार्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई और उसका पिन कोड लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं मुंबई लिखा हुआ है वो लेफ्ट में आ जाए और जो पिन कोड है वो राइट साइड में आ जाए। तो उसके लिए हमें जो फार्मूला टाइप करना होगा, इक्वल टू लेफ्ट टैब प्रेस करेंगे और ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे A2 कॉमा एंड 6। जैसे करेंगे 6, बट ये 6 डिजिट का मुंबई है, आई मीन टोटल लेटर्स मुंबई में है 6 है। अब इसको हम डबल क्लिक करते हैं या स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ टोटल मुंबई आ जाएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे इक्वल टू राइट टैब प्रेस करेंगे, A2 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एंड लास्ट के 6 डिजिट ले लिया, एंटर करेंगे, ये पिन कोड आ गया। अब हमें मिडिल का निकालना है, जैसे मुंबई का मिड निकालना है, तो मिडिल में कौन सा लेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मिड के लिए हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू MID मिड। अब इसमें जो मुंबई है, इसमें जो कैरेक्टर हमें कहाँ से लेना है, जैसे स्टार्टिंग के 4th कैरेक्टर से लेना है या 5th कैरेक्टर से लेना है, तो हम यहाँ पे करते हैं फोर्थ। पहले हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे A2 सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, और हमें कौन से नंबर सेलेक्ट करना है, फोर्थ से। तो यहाँ पे फोर्थ यानी फोर्थ B से स्टार्ट होता है, कॉमा, टोटल कितने कैरेक्टर लेना है 3, और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए बई आ गया, बई मुंबई में, यानी कि MUM 3 हो गए, B टोटल 4 से, B 4 से स्टार्ट हो रहा है और AI टोटल 3 हो गए। अब इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे और ये बाई आ गया। तो इस तरीके से आपने सीखा लेफ्ट राइट एंड मिड। अब आते हैं ऐसा डेटा है जिसमें जो कैरेक्टर है सेम कैरेक्टर नहीं है, आई मीन मुंबई में 6 कैरेक्टर है, दिल्ली में 5 है, पुणे में 4 है, चेन्नई में 7 है, अहमदाबाद में भी उससे ज़्यादा है। तो अगर हम सिमिलर कैरेक्टर देते हैं, लाइक हमने यहाँ पे 6 कैरेक्टर दिया, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू अगर लेफ्ट देते हैं और डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 6 सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, अब यहाँ तो मुंबई आ गया 6 कैरेक्टर, बट पुणे के आगे हाइफन लग गया, यानी कि 6 है तो पुणे 4 कैरेक्टर का है, तो एक स्पेस ले लिया और एक हाइफन ले लिया। चेन्नई का चेन्ना हो गया, अहमदाबाद का अहमदा हो गया। तो इस तरीके से जिसका जिसका अगर 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है, जैसे अमृतसर का देखो, अमृतस हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड फार्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए फाइंड में क्या करना है, हमें यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू फाइंड, और फिर हमें यहाँ देखना है कि हमें किसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हाइफन को, तो इन्वर्टेड कॉमा हाइफन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और उसके बाद कॉमा करेंगे और डेटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से डेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं E2, और डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम देंगे 1, यानी कि हाइफन के बाद 1 कैरेक्टर, और उसके बाद हमें यहाँ पे देते हैं, तो देखते हैं कि हाइफन कौन से नंबर पे है, 8 नंबर पे है। अब जैसे मुंबई MUMBAI 6 और एक हो गया स्पेस 7 और हाइफन हो गया 8 नंबर पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यानी कि 7, यानी कि हो गया आपका टोटल ये डेटा कितने हैं, जैसे कि फाइंड किया हमने, तो यहाँ पे आ गया मुंबई 7 नंबर पे है स्पेस, माइनस 1 कर दिया इसलिए, ये 6 नंबर पे है स्पेस, दिल्ली का 5 और स्पेस 6। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद में स्पेस है 10वें नंबर पे। हमने पहले क्या किया था, फाइंड किया था हाइफन को, अभी हमने माइनस 1 कर दिया तो स्पेस सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका ये स्पेस सेलेक्ट हुआ है, तो सभी का पोजीशन दिखा दिया। तो हाउ डू आई फाइंड द स्पेस, आपने देख लिया। तो अभी इसमें देखिए 7 नंबर दिखा रहा है हाइफन। अब क्या हम करते हैं, यहाँ पे हाइफन को हटा के ओनली स्पेस रखते हैं। अब स्पेस रखेंगे
तो टोटल हमारा यहाँ 6 डिजिट आ रहा है, यानी मुंबई 6 डिजिट पे आ रहा है। हम इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब देखिए दिल्ली 5 डिजिट का है, पुणे से 4 डिजिट का है, चेन्नई 7 डिजिट का है, अहमदाबाद 9 डिजिट का है। तो इस तरीके से कितने करेक्टर का है, तो ये जो सारे करेक्टर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख गए। हमने यहाँ पे नंबर फाइंड कर ले कितने करेक्टर का हमारा जो है लेटर है लेफ्ट साइड का। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट के बाद हमें क्या करना है, करेक्टर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब यहाँ पे फिर से हमें फाइंड टैब और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, हमें स्पेस फाइंड करना है। तो स्पेस दे करके इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, उसके बाद कॉमा, अगेन हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे और विद इन द टेक्स्ट जो टेक्स्ट होगा उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद इसको कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद स्टार्ट नंबर कहाँ से होगा, यानी कि 1 स्टार्ट नंबर होगा और 1 के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड स्पेस के बाद हमें कितना देना है, -1 देना है। -1 देंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मुंबई आ गया और इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखिए सारे के सारे कैरेक्टर यहाँ दिख रहा है हमें। तो ये फॉर्मूला है आपको लेफ्ट साइड के, जिसमें फिक्स नहीं है कि कितने कैरेक्टर का है। यहाँ दूसरे तरीके से भी सेपरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम एक ऑप्शन होता है, हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि किसके थ्रू, सेमी कॉलन कॉमा स्पेस टैब, तो हम टैब हटा देते हैं। यहाँ पे अदर में जाएंगे, अदर में हमें पे हाइफन देना है, हाइफन देंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूरा डाटा सिलेक्ट है, फिर फिनिश कर देते हैं। देखिए टेक्स्ट टू कॉलम आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड में रह गया और नंबर राइट साइड में सेपरेट हो गया है। इसको रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, अच्छा लगा, कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।